के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं रेसिस्टेंस के बारे में, कि रेसिस्टेंस क्या होता है, किस वजह से होता है और ये किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। साथ ही साथ हम ये समझेंगे आज कि ये इस रेसिस्टेंस पे बेस्ड कितने टाइप के क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं। तो जब भी हम बात करते हैं किसकी, रेसिस्टेंस की, अगर इस वर्ड को हम ध्यान से देखें तो इस वर्ड का मतलब ही क्या है, रेसिस्ट करने वाला। रेसिस्टेंस मीन्स रेसिस्ट करने वाला। अच्छा, रेसिस्ट जो वर्ड है इसका मतलब तुम्हें पता होगा बेटा, रेसिस्ट का मतलब अपोज करने वाला। तो जो रेसिस्ट करेगा, किस चीज़ को रेसिस्ट करेगा, तो हम लोग अभी बेसिकली चार्ज की बात, करेंट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या याद रखना है कि करेंट को अपोज करने वाला जो नेचर होगा बॉडी के पास, उसको ही नाम क्या दे दिया गया, रेसिस्टेंस नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, रेसिस्टेंस। तो जैसे मान लो कि ये छोटा सा एक एनिमेटेड इमेज से आप समझने की कोशिश करो कि जो रेसिस्टेंस है ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये अगर चार्ज पार्टिकल है, इनको मैंने क्या बोला, चार्ज पार्टिकल। तो जब ये चार्ज पार्टिकल फ्लो कर रहे हैं, चार्ज फ्लो और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को ही हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो जब करंट फ्लो कर रहा होगा तो उसके पाथ में ये क्या हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है, बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये क्या कर रहा है, उसके फ्लो को रेसिस्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, उसके फ्लो को रेसिस्ट कर रहा है। तो रेसिस्ट करने का जो नेचर होता है उसी को बोला गया यहाँ पे रेसिस्टेंस। तो अगर डिफाइन करने की बात की जाए कि कैसे डिफाइन करें रेसिस्टेंस को, तो सिंपली वी कैन से इट इज़ द नेचर ऑफ कंडक्टर। क्या है ये, नेचर है किसका, उस कंडक्टर। देखो हम यहाँ पे कंडक्टर के बारे में बस बात करेंगे, सेमी कंडक्टर के बारे में कोई डिस्कशन नहीं होगा। जो हम बात करेंगे कंडक्टर, और वो भी मेटेलिक कंडक्टर की बात की जाएगी इस चैप्टर में। तो इट इज़ द नेचर ऑफ कंडक्टर, जिसकी वजह से वो क्या करता है, कैसा नेचर है, तो कैसा नेचर, जिसकी वजह से वो क्या करेगा, रेसिस्ट करेगा। तो ड्यू टू विच इट रेसिस्ट, क्या करेगा, रेसिस्ट करेगा। किसको रेसिस्ट करेगा, तो रेसिस्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वी कैन से। किसको रेसिस्ट करेगा, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रेसिस्ट करेगा। तो कैसे डिफाइन किया जाएगा रेसिस्टेंस को, रेसिस्टेंस बेसिकली नेचर होता है, किसका नेचर होता है, तो जिस कंडक्टर से चार्ज फ्लो कर रहा है या करंट फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, उस कंडक्टर का नेचर होता है। कैसा नेचर होता है, जिसकी वजह से वो हिंड्रेंस क्रिएट करता है या अपोज करता है, किसको, उस चार्ज के फ्लो को या इलेक्ट्रिक करंट को। इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रेसिस्ट करने वाले नेचर को क्या नाम दिया गया, रेसिस्टेंस नाम दिया गया। और ये कैसे आता है बॉडी के पास, मतलब कि कॉज क्या है रेसिस्टेंस का, इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लो हमने कंसीडर किया कि ये कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर में मैंने यहाँ पे बैटरी लगा दिया, एक सेल लगा दिया, और ये हमने स्विच लगा दिया, और ये हमने कनेक्ट कर दिया दूसरे एंड को। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये इसका पोटेंशियल मैंने बताया बैटरी का वी है, हमने अज्यूम कर लिया। जैसे ही स्विच को क्लोज किया जाएगा तो देखो ये पॉजिटिव प्लेट से यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट किया गया, तो ये पॉजिटिव पोलैरिटी हो जाएगी, इसकी नेगेटिव पोलैरिटी। अब इसके अंदर ये जो ब्लू वाले पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं ना, ये हमारे बेसिकली क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ मेटेलिक कंडक्टर की, तो उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, पिछली क्लास में मैंने डिस्कस किया था, ठीक है। अब ये जब ये हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रॉन जो इसके अंदर है वो मूव कर रहा है किधर की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, मतलब नेगेटिव से दूर जा रहा है, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ हमारा मूव करना शुरू कर दिया जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर प्रेजेंट थे। और जब ये मूव कर रहे हैं तो इनका क्या हो रहा है, कोलिजन हो रहा है, किसके साथ हो रहा है, तो ये जो फिक्स्ड आयंस यहाँ पे दिख रहे हैं ना ब्लैक कलर के, ये हमारे बेसिकली पॉजिटिव फिक्स्ड आयंस होते हैं, ठीक है। तो ये पॉजिटिव फिक्स्ड आयन से ये क्या कर रहा है, कोलाइड कर रहा है। और ये जब कोलाइड कर रहा है तो कोलाइजन की वजह से उसके पाथ में हिंड्रेंस या डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है। और हम जानते हैं कि जो करंट होता है वो बेसिकली क्या होता है, क्यू अपॉन टी, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हमने करंट बताया था। अब अगर ये कोलाइड नहीं करता, हिंड्रेंस वहाँ पर नहीं आता, अगर अपोजिशन या उसके मूवमेंट में कोई डिस्टर्बेंस अगर यहाँ पे नहीं मिल रहा होता, तो उस केस में नंबर ऑफ चार्ज जो एक सेकंड में या पर यूनिट टाइम में जो चार्ज हमारे फ्लो करते वो ज़्यादा करते। या अगर हम कहें कि जो ये कोलिजन हो रहा है, अगर ये कोलिजन ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से करंट क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जितना ज़्यादा कोलिजन होगा उतने ही कम चार्ज हमारे यूनिट टाइम में यहाँ से यहाँ तक फ्लो कर पाएंगे। तो सीधा सा क्या याद रखना है कि जो रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस बेसिकली क्या है, रेसिस्टेंस हमारा है नेचर उस बॉडी का, जिसकी वजह से नेचर किसका, कंडक्टर का, जिसकी कैसा नेचर, जिसकी वजह से करंट के या चार्ज के फ्लो में
अपोजिशन या हिंड्रेंस या रेसिस्ट करता है वो चार्ज के फ्लो को, उसको हमने रेसिस्टेंस बोला। अब यहाँ पे हमने उसका कॉज क्या बताया कि जो कोलिजन हो रहा है, कोलिजन किसका हो रहा है, तो किसका हो रहा है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे मूव कर रहे थे किधर से किधर, तो निगेटिव टू पॉजिटिव जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे उनका हो रहा था कोलिजन, और उस वही कोलिजन हमारा क्या बना, रेसिस्टेंस का कॉज, क्योंकि उसी कोलिजन की वजह से वहाँ पे हिंड्रेंस क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा यहाँ पे हमें क्या याद रखना है कि जितना ज़्यादा कोलिजन होगा, मतलब कि हमने बोला कि अगर कोलिजन ज़्यादा हो रहा होगा तो ऑब्वियस सी बात है रेसिस्टेंस होगा ज़्यादा, और जितना ज़्यादा रेसिस्टेंस हो जाएगा, मतलब जितना ज़्यादा कोलिजन होगा उतना ही हमारा जो करेंट होगा वो हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि कोलिजन कम हो रहा है तो इसका मतलब कि रेसिस्टेंस भी हो जाएगा कम और जो करेंट होगा वो हमारा हो जाएगा ज़्यादा। तो सीधा सा मतलब क्या याद रखना है कि रेसिस्टेंस ज़्यादा है मतलब कोलिजन हमारा ज़्यादा हो रहा होगा, और कोलिजन ज़्यादा हो रहा होगा तो जो करेंट होगा वो हमारा कम हो जाएगा। तो ये बात हो गई हमारी रेसिस्टेंस की और उसके कॉज की। अब हमें बात करना है कि ये जो रेसिस्टेंस है ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेसिस्टेंस को अफेक्ट करेंगे। तो देखो टोटल हमें कितने फैक्टर्स याद रखने हैं, चार। पहला क्या होता है, लेंथ। लेंथ किसका, उस कंडक्टर का जिसके थ्रू करेंट फ्लो कर रहा है। दूसरा हमें क्या याद रखना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया दूसरा हमारा हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया। जो तीसरा फैक्टर है वो क्या है, टेम्परेचर। अभी हम बताएंगे कि किस तरीके से इन फैक्टर्स पे वो डिपेंड करता है। चौथा जो है वो हमारा है नेचर, किसका, उस मटेरियल का जिसका कि कंडक्टर बना हुआ है। तो देयर आर फोर फैक्टर्स जिसपे कि हमारा रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। बात समझ में आ रही होगी, तो रेसिस्टेंस कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, चार फैक्टर पे। अच्छा जरा हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं और इसको मैं क्लियर करता हूँ। अब इसको समझने की एक बार फिर से कोशिश करते हैं। देखो अब मान लो कि यहाँ पे ऑलरेडी ऐसे बैटरी लगा हुआ है, ये निगेटिव प्लेट पॉजिटिव प्लेट और ये हमारा स्विच, और ये ऐसे कनेक्टेड है, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये हमारा वी हो गया। अब इसमें जब जो करेंट हमारा फ्लो कर रहा था, ठीक है, अब मैंने कहा कि ये कंडक्टर के लेंथ को मैं छोटा कर दूँ, इतना ही अगर लेंथ रहता तो ध्यान से यहाँ पे देखना, जब लेंथ हमारा कम हो गया तो जैसे एक इसमें से किसी पार्टिकल को, इस वाले को कंसिडर कर लो, तो देखो ये जो अभी आएगा ये ब्लू पार्टिकल एक बार इससे कोलाइड किया और फिर इससे कोलाइड किया, मतलब दो बार इसका कोलिजन हो रहा है। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ से ये जो जा रहा है, इसको अगर देखो तो एक कोलिजन यहाँ एक कोलिजन यहाँ, दो बार ये कोलाइड कर रहा है। लेकिन लेंथ अगर हमारा ज़्यादा रहता, ठीक है, अभी हमने लेंथ को कम किया था तो ये दो बार कोलाइड किया, और अगर हम लेंथ को बढ़ा देते, लेंथ हम पूरा जितना अभी दिख रहा है इस पूरे को ही हम लेंथ को कंसीडर कर लेते तो फिर से देखते हैं कि ये कितनी बार कोलाइड कर रहा है। तो हम वापस से उसी पार्टिकल को कंसीडर करते हुए चलेंगे, तो देखो एक बार यहाँ कोलाइड किया, एक बार यहाँ कोलाइड किया, उसके बाद एक बार यहाँ कोलाइड कर रहा है और एक बार यहाँ कोलाइड कर रहा है। मतलब जब लेंथ हम बढ़ा दे रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है क्या हो रहा है, उसका कोलिजन ज़्यादा हो जा रहा है। और हमने अभी क्या बताया था कि जितना ज़्यादा कोलिजन होगा उतना ज़्यादा रेसिस्टेंस हो जाएगा और उतना ही कम हमारा करंट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे फैक्टर्स की कि कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट डालते हैं। तो यहाँ पे हमने अभी देखा कि लेंथ जो है वो जब हम ज़्यादा कर रहे हैं तो नंबर ऑफ कोलिजन्स जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का पॉजिटिव फिक्स्ड आयंस के साथ हो रहा है वो ज़्यादा हो जा रहा है, मतलब रेसिस्टेंस भी ज़्यादा हो जा रहा है। तो ये यहाँ पे क्लियरिटी हमें मिल रही है कि लेंथ को बढ़ाने से रेसिस्टेंस बढ़ जा रहा है, लेकिन वो किस तरीके से डिपेंड करता है। तो इसके लिए हमें क्या याद रखना है कि लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेसिस्टेंस। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों होता है, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया जाता है, ठीक है, और हमें अभी उसके बारे में नहीं समझना है। हमारे सिलेबस में बस ये चीज़ याद रखना है कि लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेसिस्टेंस। सिमिलरली हम क्रॉस सेक्शन एरिया की बात तक जब करेंगे तो क्रॉस सेक्शनल एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रेसिस्टेंस। मतलब क्या है यहाँ पे डायरेक्टली और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का, कि अगर हम लेंथ को बढ़ा के डबल कर देंगे, ठीक है, विदाउट एनी चेंज इन अदर फैक्टर्स, जो बाकी के तीन फैक्टर्स हैं जिस पर रेसिस्टेंस डिपेंड कर रहा है, अगर हम उन फैक्टर्स को ना चेंज करें बस लेंथ को डबल कर दें तो रेसिस्टेंस भी जो होगा वो डबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसी तरीके से अगर हम बाकी के सारे फैक्टर्स को छोड़ दें बस क्रॉस सेक्शनल एरिया को डबल करें, तो देखो क्रॉस सेक्शनल एरिया की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, बस हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया को डबल किया विदाउट एनी चेंज इन लेंथ टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ द मटेरियल, तो उस केस में इन्वर्सली होगा। मतलब जब क्रॉस सेक्शनल एरिया को डबल करेंगे तो रेसिस्टेंस हाफ हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया को जब हाफ करेंगे तो रेसिस्टेंस डबल हो जाएगा।
तो ये जो मेटेलिक कंडक्टर्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं हम, तो जो लेंथ है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेसिस्टेंस, और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब ये टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगा? तो जो मेटेलिक कंडक्टर होते हैं ना, उनका रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? टेम्परेचर के। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, नंबर ऑफ कोलिजन उतना ज़्यादा होगा और रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। चौथा जो है ये हमारा नेचर ऑफ मटेरियल का, मतलब क्या है, जैसे मान लो अलग अलग नेचर के हम मटेरियल का यूज करें, जैसे एक बार हमने एल्यूमिनियम का वायर लिया, एक बार हमने कॉपर वायर ले लिया, तो जब अलग अलग हम मेटल्स या मेटेलिक कंडक्टर को लेंगे तो उनके अंदर जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका नंबर भी क्या होगा? डिफरेंट होगा। एल्यूमिनियम वायर में अलग नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमें मिलेंगे सर्टेन लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया के केस में, और कॉपर में हमें अलग मिलेंगे। तो पहला तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग हो जाएगा, दूसरी बात कि जो पार्टिकल्स उसके अंदर प्रेजेंट होंगे पॉजिटिव फिक्स्ड आयन्स, उनका अरेंजमेंट भी क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो इसकी वजह से अलग अलग मटेरियल लेने पे भले उनका ये तीन फैक्टर्स हम सेम कर दें, लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया और टेम्परेचर, तो भी उनका जो रेसिस्टेंस होगा वो हमें अलग अलग मिलता है। तो टोटल कितने फैक्टर्स हमें याद रखने हैं? चार। रेसिस्टेंस कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? चार फैक्टर्स। कौन कौन से? तो लेंथ, लेंथ के पे कैसे डिपेंड करेगा? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सेकंड वन इज क्रॉस सेक्शनल एरिया, कैसे? तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। थर्ड वन इज टेम्परेचर, तो टेम्परेचर पे कैसे करेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कौन? मेटेलिक कंडक्टर। चौथा नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर पे कैसे डिपेंड करेगा? तो अलग अलग मटेरियल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नंबर अलग अलग हो जाएगा, सर्टेन लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया के मटेरियल को हम सेलेक्ट करेंगे सेम टेम्परेचर पे, तो तब भी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और उनका अरेंजमेंट जो पार्टिकल्स का है वो अलग अलग होगा, और उसकी वजह से वो हमारा रेसिस्टेंस भी अलग अलग हो जाएगा। तो ये तो बात हो गई हमारी किसकी? रेसिस्टेंस के फैक्टर्स के, जो जो हमारे रेसिस्टेंस पे इफेक्ट डाल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अभी हम यहाँ पहले और दूसरे की बात कर ले फैक्टर्स की। तो देखो, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड यहीं पे क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये दो चीज़ें यहाँ पे हमें देखने को मिल रही हैं। अगर इन दोनों को हम एक साथ मिला के लिख दें तो रेसिस्टेंस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? एल अपान ए के। अब यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में जब कन्वर्ट करेंगे तो एक कांस्टेंट यहाँ पे आता है, और ये सबको पता है कि जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन को इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा उसको हमने इस तरीके से बना के लिखा है, इसको पढ़ते हैं हम रो। ये इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको क्या बोलेंगे? रो बोलेंगे। क्या पढ़ेंगे? रो पढ़ेंगे। अब ये क्या है हम बताएंगे अभी। तो प्रोपोर्शनैलिटी को जब इक्वालिटी में कन्वर्ट किया तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या आया? रो, और बाकी एल अपान ए एज इट इज हम लिख देंगे। तो यहाँ पे हमें रेसिस्टेंस का फॉर्मूला भी मिल गया। ये हो गया हमारा रेसिस्टेंस का फॉर्मूला, क्या हो गया? आर इज इक्वल टू रो एल अपान ए। अब यहाँ पे देखो, एक फैक्टर हमें देखने को मिल रहा है रो, एक नया चीज यहाँ पे मिला रो। ये रो क्या चीज है? तो इसी को, रो को नाम दिया गया रेसिस्टिविटी। क्या नाम दिया गया? रेसिस्टिविटी। और या इसी का एक और नाम पड़ा क्या? स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। इसी को क्या दूसरा नाम दिया गया? स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। तो अभी ये क्या है, वी विल डिस्कस अबाउट दिस, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या सीख लिया? अभी हमने बात कर लिया रेसिस्टेंस के बारे में कि रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टेंस का कॉज क्या है, और रेसिस्टेंस कितने फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो ये तीन बातें हमने सीखी, क्या? व्हाट इज रेसिस्टेंस, व्हाट इज कॉज ऑफ रेसिस्टेंस एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस। इसके बाद हमने सीखा चौथा रेसिस्टेंस का फॉर्मूला, क्या आ गया? आर इज इक्वल टू रो एल अपान ए। अब ये जो रेसिस्टेंस है ना, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? तो जब भी हम रेसिस्टेंस के एसआई यूनिट की बात करेंगे तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? ओम। क्या होता है? ओम। और इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? ओम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओम। और ये हमारा बन जाता है क्या? रेसिस्टेंस की एसआई यूनिट, ठीक है। तो इतनी चीजें हमें याद रहेगी, ठीक है। अब आओ जरा समझते हैं कि ये रेसिस्टिविटी क्या है, ठीक है। अब रेसिस्टिविटी के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो हमने अभी फॉर्मूला बताया था रेसिस्टेंस का, क्या? आर इज इक्वल टू रो एल अपान ए। ये हमने फॉर्मूला अभी देखा रेसिस्टेंस का, ठीक है। अब मैं ऐसा कंसीडर कर लूं क्या कि जो कंडक्टर है ना, उसका जो लेंथ है वो वन यूनिट है। कंडक्टर का जो लेंथ है वो कितना है? वन यूनिट। और इस कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, वो कितना है? वन स्क्वायर यूनिट है। कितना है? वन स्क्वायर यूनिट।
तो जब ये एज्यूम हम कर लेंगे, इस एजम्पशन के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे जो देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा, जो रेसिस्टेंस होगा वो रेसिस्टिविटी के बराबर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? मैंने क्या बोला कि अगर इसी में जो ये रेसिस्टेंस का फॉर्मूला था, हमने एक स्पेशल केस ले लिया कि एक ऐसा कंडक्टर है जिसका लेंथ हमारा 1 यूनिट है और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो हमारा 1 स्क्वायर यूनिट है। हमने ये जब एजम्पशन लेके चले हम, तो जो रेसिस्टेंस आया वो रेसिस्टिविटी के बराबर आ गया। तो यहीं से हमें डिफिनेशन मिल जाएगा किसका, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी का। अब इस वर्ड को ध्यान से देखो तो क्या लिखा है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, मतलब ये एक रेसिस्टेंस ही तो है लेकिन ये स्पेसिफाई किया गया है। स्पेसिफाइड कंडीशन क्या है, तो जिस कंडक्टर के स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी की बात की जाएगी, उस मटेरियल का यूनिट लेंथ और यूनिट स्क्वायर एरिया, यूनिट स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया का हम एक कंडक्टर ले लेंगे उसी मटेरियल का, और उसके रेसिस्टेंस को मेजर कर लेंगे। जो भी उसका रेसिस्टेंस आ रहा होगा उसी को क्या नाम दे दिया गया, रेसिस्टिविटी बताया गया। क्या बोल दिया गया, रेसिस्टिविटी। तो ये हो गई स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी की, सॉरी स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी का डिफिनेशन। अच्छा, एक और डिफिनेशन हम समझते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे एक क्यूब दिख रहा होगा तुम्हें, ठीक है। अब ये चूंकि मैंने इसको क्या बोला, ये है हमारा एक सुंदर सा क्यूब। अब क्यूब तुम लोग जानते हो क्या होता है, क्यूब क्या होता है, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो मैंने माना कि इसकी जो साइड ए है ना वो कितनी है, 1 यूनिट है, ठीक है। जैसे 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 1 मिलीमीटर, ऐसे 1 यूनिट का मैंने ले लिया क्या, क्यूब। 1 यूनिट साइड का मैंने एक क्यूब ले लिया, मतलब ये जो इसका यहाँ पे तुम्हें हाइट देखने को मिल रहा है, या ये इसका जो ब्रेथ देखने को मिल रहा है, या ये इसका जो लेंथ देखने को मिल रहा है, ये तीनों कितने होंगे, 1 1 यूनिट होंगे। तो अब हम पूछे इसमें कि जो इसका क्रॉस सेक्शन का एरिया दिख रहा है, मतलब यही तो है इसका एरिया, तो ये जो एरिया आएगा ये क्या आ जाएगा, एल इंटू बी, और एल इंटू बी का मतलब ये भी क्या हो जाएगा, 1 यूनिट इंटू 1 यूनिट, मतलब कितना हो गया, तो ये हो गया 1 स्क्वायर यूनिट। बात समझ में आ रही है? और ये इसका जो हाइट मैंने लिया ये हमारा आ गया, ये भी हमने लिया था 1 यूनिट, तभी तो ये क्यूब था। तो बेसिकली हम जब देख रहे हैं कि हम किसी कंडक्टर का यूनिट लेंथ और यूनिट स्क्वायर एरिया का, देखो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि कोई कंडक्टर हम ले रहे हैं जिसका लेंथ कितना हो रहा है, 1 यूनिट, और क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो रहा है, 1 स्क्वायर यूनिट हो रहा है। तो उस केस में वो कैसा शेप बन के आ रहा है, तो क्यूब बन के आ जा रहा है। कैसा आ जा रहा है, क्यूब बन के आ जा रहा है। तो यहीं पे इसका एक और डिफिनेशन निकल के आ जाएगा क्या, कि जिस भी मटेरियल, मान लो एल्यूमिनियम का हमें निकालना है क्या, रेसिस्टिविटी, तो क्या करना, यूनिट, 1 यूनिट साइड का उसका क्या ले लो, क्यूब ले लो। क्या ले लो, क्यूब, और वो क्यूब जितना रेसिस्टेंस ऑफर करेगा वही रेसिस्टेंस बराबर किसके हो जाएगा, उसके रेसिस्टिविटी के। बात समझ में आ रही होगी, कोई नई बात नहीं बता रहा हूं मैंने, बताया क्या, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। देखो ये स्पेसिफिक क्यों है, क्योंकि ये स्पेसिफाई किया गया है एक सर्टेन कंडीशन के अंदर। क्या, जब यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया के कंडक्टर का जो भी रेसिस्टेंस था उसी को बोल दिया गया स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी। तो जब हम यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया कर रहे हैं, तो हमें वो कैसा शेप मिल रहा है, क्यूब का मिल रहा है। तो जो क्यूब होगा, ठीक है, वो जितना रेसिस्टेंस ऑफर कर रहा होगा उसी को तो बोलेंगे रेसिस्टिविटी। तो यहाँ पे रेसिस्टिविटी का एक और डिफिनेशन बन जा रहा है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेसिस्टिविटी पे को अफेक्ट करेंगे। तो देखो मैंने अभी क्या बताया था, रेसिस्टेंस को अफेक्ट करने वाले कितने फैक्टर्स थे, 4 फैक्टर्स थे। कौन कौन था, तो पहला फैक्टर तुम जल्दी से बता दो क्या था, लेंथ था, और लेंथ पे कैसे डिपेंड कर रहा था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दूसरा फैक्टर क्या था, क्रॉस सेक्शनल एरिया, कैसे डिपेंड किया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तीसरा फैक्टर क्या था, टेम्परेचर, कैसे डिपेंड किया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मेटेलिक कंडक्टर के केस में। और चौथा फैक्टर क्या था, नेचर ऑफ मटेरियल, मतलब कि जिस मटेरियल का वो कंडक्टर हमारा बना हुआ है उसकी, उसके नेचर पे भी डिपेंड करेगा। कैसे करेगा, हमने पीछे अभी डिस्कस किया था, ठीक है। तो अब हम बात जब करेंगे रेसिस्टिविटी की, तो ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा उसको समझते हैं जरा। देखो तो जब जो रेसिस्टेंस है बेसिकली उस वो स्पेसिफाइड कंडीशन में हमने जब लिया था, क्या कंडीशन रख लिया था, कि जो उसका लेंथ लिया
वो वन यूनिट कर दिया, और क्रॉस सेक्शनल एरिया जो लिया वो वन स्क्वायर यूनिट कर दिया, तो उस केस में जो भी रेसिस्टेंस आया वो बराबर आ गया था रेसिस्टिविटी के। मतलब एक तरीके से रेसिस्टिविटी रेसिस्टेंस ही तो है, तो उसको भी तो ये चारों फैक्टर्स पे डिपेंड करना चाहिए, लेकिन इन चार में से दो जो है लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया उस पर ये डिपेंड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो स्पेसिफाइड है कि जब हमारा यूनिट लेंथ का कंडक्टर हम लेंगे और यूनिट स्क्वायर एरिया का, उसका मतलब जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो स्क्वायर यूनिट होगा, तो जाके जो रेसिस्टेंस होगा वो रेसिस्टिविटी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बाकी के दोनों फैक्टर्स जो बच गए उस पर डिपेंड करेगा। तो कौन कौन से फैक्टर्स बच गए? एक बच गया हमारा टेम्परेचर और दूसरा बच गया नेचर ऑफ मटेरियल। तो ये इन दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। बात अब क्लियर हो गई? तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, जब आपसे पूछेगा ना कि राइट द फैक्टर्स विच अफेक्ट रेसिस्टेंस, देन यू हैव टू राइट दिस फोर फैक्टर्स एंड यू हैव टू ऑल्सो राइट हाउ इट डिपेंड्स on these factors, means you have to write resistance will depend on length of the conductor and it will be directly proportional to the length of the conductor. फिर cross section area पे कैसे बता दोगे? Same आगे दोनों बता दोगे, लेकिन जब तुमसे पूछेगा specific resistance या resistivity जो होता है वो किन factors पे depend करता है बताओ, तो आप क्या बताओगे कि only two factors will affect, which one? तो temperature and nature of material. तो ये हो गया specific resistance या resistivity की स्टोरी कि ये क्या होता है और किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। चलो एक चीज और समझ लेते हैं हम यहाँ पे कि इसकी एसआई यूनिट क्या होगी। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? तो देखो हमने जब बताया था रेसिस्टेंस का फॉर्मूला तो क्या निकल के आया था, आर इज इक्वल टू रो एल अपान ए, ये बन के आ गया था रेसिस्टेंस का फॉर्मूला, पक्की बात। ठीक, अब यहीं से मैं पूछ दूं कि बेटा बता दो मुझे रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला, तो रो इज इक्वल टू क्या होगा, L और A को उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा R A अपान L, ये बन जाएगा हमारा क्या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे इसकी एसआई यूनिट। तो देखो रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला आ गया R A अपान L। अब इसमें हम सबकी एसआई यूनिट पूछे हैं, तो बाकी ये जो तीन दिख रहे हैं इन तीनों का भी हम एसआई यूनिट यहाँ पे पुट कर दें तो तुरंत इसका रेसिस्टिविटी का एसआई यूनिट आ जाएगा। तो जल्दी से बता दो रेसिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, ओम, तो ओम आ गया। एरिया, एरिया की एसआई यूनिट मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर आ गया। और नीचे है लेंथ, लेंथ की एसआई यूनिट मीटर, तो मीटर आ गया। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो रेसिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या आ जाएगी, ओम मीटर। तो ये बन गई हमारी एसआई यूनिट किसकी, रेसिस्टिविटी की। तो इतनी चीजें तुम्हें याद रखनी है रेसिस्टिविटी के लिए, राइट क्लास। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, पहले देखो इतने में कोई प्रॉब्लम हो ठीक है आगे बढ़ते हैं। तब चलो आगे अब हम बात करने वाले क्वेश्चंस के बारे में कि कितने टाइप के क्वेश्चन हमें यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो हम बात करेंगे सबसे पहले फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन, देखो बड़ा सिंपल सा आएगा, जैसे अभी आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, कह रहा है कि अ वायर ऑफ रेसिस्टेंस 20 ओम, ये जो 20 ओम दिख रहा है ये क्या दिख रहा है, कंडक्टर या जो भी वायर वहां पे लिया गया उसका रेसिस्टेंस। अब ये कह रहा है कि उसको कट किया गया किस तरीके से, 4 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया। कैसे कट किया, 4 इक्वल पार्ट में, और पूछा क्या है, फाइंड रेसिस्टेंस ऑफ इच पार्ट, सारे पार्ट के रेसिस्टेंस के बारे में पूछा गया है। तो मैं कहूंगा स्क्रीन को पॉज करके एक छोटा सा ट्राई करो, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ठीक है, चलो ट्राई कर लिया होगा तुम लोगों ने। अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपने जो ट्राई किया वो सही था या गलत था। तो यहाँ पे देखो हो क्या रहा है कि एक कंडक्टर है जिसका रेसिस्टेंस 20 ओम है और उसको 4 इक्वल पार्ट्स में कट कर रहा है, तो क्या सबसे पहला क्वेश्चन आ चाहिए कि क्या इसका रेसिस्टेंस चेंज होगा। तो मैंने अभी तुम्हें बताया था कि जो रेसिस्टेंस है ना बेटा वो चार फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, कौन कौन, लेंथ पे, ठीक, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, टेम्परेचर पे, और चौथा नेचर ऑफ मटेरियल पे। ठीक है, इन चार फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। ठीक, इसको मैं थोड़ा सा साइड में लिख देता हूं कि आपको ठीक से दिखे। ठीक है, हम यहां पे इसको लिख देते हैं कि जो रेसिस्टेंस है ये हमारे चार फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया, टेम्परेचर और नेचर ऑफ मटेरियल, इन चार फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। अब डिपेंड कर रहा है इन चार फैक्टर्स पे, इसका मतलब क्या है कि इन चार फैक्टर्स में से किसी भी फैक्टर को अगर हम चेंज करेंगे तो रेसिस्टेंस विल चेंज, ऑब्वियस सी बात है। तो यहां पे कट करने पे कोई फैक्टर चेंज होगा, देखो जैसे ऐसे मान लो कंडक्टर है,
ठीक है, कट करने पे क्या होगा? जैसे मान लो हमने ये कंडक्टर यहाँ पे कंसीडर कर लिया है, और इस कंडक्टर के लेंथ को मैं मान लिया कि इसका जो लेंथ है वो कितना है, एल है। इसका लेंथ कितना है, एल। मैंने ऐसे मान लिया कि एल इज लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर। अब इसको फोर इक्वल पार्ट्स में कट करना है, तो मैंने ये चार इक्वल पार्ट में कट कर दिया। अगर लेंथ इसका एल था तो हर पार्ट का अब जो लेंथ निकल के आएगा वो एल बाई फोर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एल बाई फोर। और इसका भी कितना हो जाएगा, एल बाई फोर। और ये जो लास्ट वाला पार्ट दिख रहा है इसका भी लेंथ एल बाई फोर आ जाएगा। तो ये चारों का हमारा लेंथ निकल के आ जाएगा। अब ये जब कट नहीं किया गया था उस टाइम पे बोला था कि इसका रेसिस्टेंस कितना है, 20 ओम है, और अभी इसको कट किया गया तो एक पार्ट का रेसिस्टेंस कितना आएगा? तो देखो हो क्या रहा है, जब हम कट कर रहे हैं तो क्या चेंज हो रहा है, ठीक है? जैसे देखो यहाँ पे ये जैसे कट किया जा रहा है इसको, तो कट करने पे बेसिकली उसका जो छोटा वाला पार्ट, यहाँ ये जो पीसेस इसके दिख रहे हैं, इनका जो लेंथ है वो छोटा हो गया, लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया जो ये ए दिख रहा है सर्कुलर, ये हर पार्ट का क्या आ रहा है, बराबर ही आ रहा है। क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज नहीं हुआ। तो हमने बोला कि ये चार फैक्टर्स में से जो जो फैक्टर चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग रेसिस्टेंस में चेंज आएगा। तो जब कट किया गया तो हमारा जो लेंथ है वो डिक्रीज होके 1/4 हो गया। क्रॉस सेक्शनल एरिया में कोई चेंज नहीं आया, तो इसकी वजह से नहीं चेंज होगा, लेंथ हमारा चेंज हुआ है। टेम्परेचर, ऐसा तो नहीं कि हमने कट किया और कट करने से पहले मान लो उसका टेम्परेचर हमने 25 सेल्सियस लिया था और कट करने के बाद वो हमारा 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, ऐसा भी नहीं हुआ होगा। तो टेम्परेचर में भी चेंज नहीं आया। नेचर मतलब कि ऐसा कुछ क्या कि पहले जो था वो हमारा एल्यूमिनियम वायर था और बाद में जैसे कट किए तो वो हमारा कॉपर वायर हो गया, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ होगा। तो नेचर भी हमारा नहीं चेंज हुआ है। तो बस चेंज क्या हुआ है, लेंथ। तो लेंथ चेंज होने से रेसिस्टेंस कैसे चेंज होगा, तो मैंने बताया क्या, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेसिस्टेंस। तो जब लेंथ को 1/4 किया तो रेसिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, 1/4। तो सीधा सीधा यहाँ पे जो रेसिस्टेंस निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, आर हमारा पहले जो था वो 20 ओम था, तो 20 ओम अपॉन 4, मतलब कि यहाँ पे जो रेसिस्टेंस निकल के आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 5 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 ओम। इसको आप चाहो तो फॉर्मूले का यूज करके भी कर सकते हो, जैसे फॉर्मूला आपको बताया गया था। फॉर्मूले का यूज करके करना होगा तो कैसे करेंगे, यहाँ पे समझ लेते हैं। जो आर था, आर इज इक्वल टू क्या था, रो एल अपान ए होता है, ठीक है? अब यहाँ पे मान लो कि कट करने से पहले जो लेंथ था उसको मैंने एल लिया है, और कट करने के बाद जो लेंथ आ रहा है उसको एल टू ले लिया एक पार्ट का, तो ये कितना हो गया था, एल अपान फोर हो गया था। बाकी सारे फैक्टर्स एज इट इज रहेंगे, ठीक है? तो यहाँ से अब कट करने से पहले जो रेसिस्टेंस है उसको मैंने आर कंसिडर किया, और ये क्वेश्चन में दिया था यहाँ पे 20 ओम, तो ये 20 ओम आ गया। कट करने के बाद जो रेसिस्टेंस आया उसको मैंने आर टू मान लिया, तो आर टू क्या हो जाएगा, रो एल 2 अपान ए। रो ए को मैंने वैसे ही रखा है, ये चेंज नहीं हुआ था। अब यहाँ पे आर टू की वैल्यू अगर हम पुट करें तो आर टू की जगह पे क्या आ जाएगा, एल टू की जगह पे क्या आ जाएगा, एल अपान फोर। तो ये हो जाएगा एल अपान 4 अपान ए। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर दें तो आर टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो एल अपान ए, और ये साइड में दिख रहा होगा क्या, 1 अपान 4। और ये रो एल अपान ए ही तो आर है ना हमारा, तो सीधा सा ये क्या हो जाएगा, आर अपान 4, मतलब कि 20 अपान 4, मतलब इससे क्या मिल जाएगा हमें, आर की वैल्यू यहाँ पे निकल के आ जाएगी 5 ओम। अब देखो मेरी बात को ध्यान समझना, जब एग्जाम में आप बैठोगे, बोर्ड के एग्जाम बैठोगे या स्कूल के एग्जाम में जब तुमसे ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो ये जैसे मैंने सॉल्व करके बताया है इस तरीके से तुम सॉल्व करोगे, ठीक है? लेकिन अगर यही क्वेश्चन एमसीक्यू में आया होता तो सीधा सा मैंने जो बताया इसके पहले तरीका कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, तो उस तरीके से इसको 1/4 किया तो ये भी हमारा 1/4 हो गया, और तुरंत तुमने आर अपान फोर करके 5 ओम आंसर जो भी ऑप्शन था उसको मार्क कर दोगे। तो ये हमारा हो गया तरीका, और ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन, ठीक है? अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप का क्वेश्चन के बारे में। दूसरा टाइप का क्वेश्चन कैसा है, इससे टॉपिक से पूछा जा सकता है, ठीक है? ज़्यादा लेक्चर लंबा नहीं होगा और मुश्किल से 15-20 मिनट, ठीक है? तो देखो दूसरे टाइप का हम जब क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन स्क्रीन पे अभी आपको दिख रहा होगा, अ वायर ऑफ रेसिस्टेंस 20 ओम। फिर से एक वायर ले लिया जिसका रेसिस्टेंस कितना दे दिया, 20 ओम। अब क्या कह रहा है, इसको स्ट्रेच किया गया है। क्या किया, स्ट्रेच किया गया, और कैसे स्ट्रेच किया, तो इसको थ्राइस हो गया, इसका जो लेंथ हुआ स्ट्रेच करने के बाद ऐसे स्ट्रेच किया कि ये अपने इनिशियल लेंथ का 3 टाइम्स हो जा रहा है, ठीक है? थ्राइस ऑफ इट्स लेंथ। नाउ फाइंड न्यू रेसिस्टेंस। अब नया रेसिस्टेंस मान लो स्टार्टिंग में आर वन था 20 ओम, तो अब कह रहा है कि आर टू बताओ कितना होगा। तो फिर से वही चीज़,
जो मैंने पिछली क्लास में अभी पीछे बताया था, पीछे वाले क्वेश्चन में, कि जो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमें देखना होगा कि रेसिस्टेंस चार फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, इस क्वेश्चन में कौन सा फैक्टर चेंज किया गया है। ठीक है, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा पॉज करके जल्दी से ट्राई करो, फिर आंसर बताओ। ठीक है, चलो कुछ बच्चों का आंसर आ गया होगा 60 ओम। ठीक है, क्योंकि 3 टाइम्स किया तो लेंथ 3 टाइम्स हुआ, तो सीधे आर भी हमारा 3 टाइम्स हो जाएगा और 60 ओम बच्चों का आंसर आ गया होगा ना। ये बिल्कुल गलत आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना पड़ेगा। समझो कि जब हम स्ट्रेच करते हैं तो एक्चुअल में चेंज क्या होता है। ठीक है, आओ जरा समझने की कोशिश करते हैं, व्हाट हैपन व्हेन वी स्ट्रेच अ वायर। देखो यहाँ पे ये मान लो कि ये कौन है, मेरे बच्चे जानते होंगे कौन है। ठीक है, चलो तो ये मान लो कि हमारे हैं रामलाल। ठीक है, और ये रामलाल क्या कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं कंडक्टर को या कोई भी चीज़। देखो जैसे जनरली इसको स्ट्रेच किया जाएगा, तो स्ट्रेच करने पे हो क्या रहा है, यहाँ पे जब स्ट्रेच कर रहा है तो इस पोर्शन में यहाँ पे देखना जो क्रॉस सेक्शन है वो पहले ज़्यादा है, जैसे जैसे उसको स्ट्रेच कर रहा है वो कम होते जा रहा है। ठीक है, और क्लियरिटी समझते हैं। ठीक है, देखो एक्चुअल में हो क्या रहा है, जब स्ट्रेच कर रहा है तो दो चीज़ें देखने को मिली है क्या। सबसे पहले जो लेंथ है वो हमारा इंक्रीज हो जा रहा है, और दूसरा क्या देखने को मिल रहा है कि जो एरिया है वो डिक्रीज हो जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम स्ट्रेच करेंगे तो लेंथ हमारा इंक्रीज हो जाएगा और जो एरिया रहेगा वो डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन उसके वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं मिलेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल समझते हैं। देखो जैसे यहाँ पे देखो ये जैसे दिया है, ठीक है दिख नहीं रहा होगा, हाँ अब दिख रहा होगा। ठीक है, देखो जैसे कि यहाँ पे नीचे हो क्या रहा है कि ये अभी लेंथ उसका देखो छोट कम है और क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है, जैसे जैसे अब इसको स्ट्रेच किया जा रहा है तो लेंथ बढ़ने लगा और क्रॉस सेक्शन घटने लगा, वो थिन होते चला गया। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या याद रखना है कि जैसे जैसे हम लेंथ को बढ़ाएंगे स्ट्रेच करके, जैसे जैसे लेंथ को बढ़ाया जाएगा स्ट्रेच करके, लेंथ तो बढ़ेगा लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होने लगेगा, घटने लगेगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया घटने लगेगा, लेंथ बढ़ने लगेगा, लेकिन उसके वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं मिलेगा, वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं मिलेगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो रही होगी कि लेंथ को बढ़ाएंगे तो हमारे जब स्ट्रेच करेंगे तो लेंथ बढ़ेगा। ठीक है, जब भी स्ट्रेच किया जाएगा तो क्या होगा, लेंथ हमारा इंक्रीज होगा और एरिया हमारा डिक्रीज होगा। ठीक है, और वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, वॉल्यूम यहाँ पे क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्यों कांस्टेंट रहेगा, तो तुम जानते हो वॉल्यूम के बारे में, वॉल्यूम होता क्या है, वॉल्यूम क्या होता है, तो ये होता है स्पेस ऑक्यूपाइड बाई बॉडी, स्पेस ऑक्यूपाइड बाई बॉडी। और कोई भी बॉडी है तो तुम जानते हो वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी होती है, बॉडी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी होती है, केमिस्ट्री में सीखा होगा एटम मॉलिक्यूल वगैरह वगैरह, तो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी है। अब वो पार्टिकल जितना किसी एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे होंगे सारे पार्टिकल्स मिलके, वही तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा। अब आप स्ट्रेच करोगे या कंप्रेस करोगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आप नहीं चेंज कर रहे हो। जैसे मैंने कहा कि ये जो यहाँ पे रामलाल स्ट्रेच कर रहे हैं, ये हमारे 1000 पार्टिकल्स इसमें प्रेजेंट है, मान लो एग्जाम्पल कि 1000 पार्टिकल्स इसमें प्रेजेंट है। अभी जब वो इसको इसके स्ट्रेच किए तो वही 1000 पार्टिकल्स अभी दूर दूर हो गए। ठीक है, तो लेंथ तो बढ़ गया लेकिन वो थिकनेस क्या हुआ, घट गया। ठीक है, अब अगर हम चाहते कि इसके वॉल्यूम को हम बढ़ाएं तो हमें बाहर से एक्स्ट्रा पार्टिकल्स उसमें डालना पड़ता, तब जाके उसका वॉल्यूम बढ़ता, या अगर हम इसके वॉल्यूम को घटाएं तो उसको कट करके कुछ पार्टिकल्स को निकाल दो तो वॉल्यूम घट जाता। मतलब जब तक हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स को नहीं चेंज करेंगे वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे। ठीक है, जो बच्चे आईसीएसई बोर्ड के होंगे वो पढ़े होंगे वाटर चैप्टर केमिस्ट्री में कि कैसे हमारा टेम्परेचर पे वॉल्यूम डिपेंड करता है, गैस लॉ भी पढ़े होंगे, और जो सीबीएसई वाले हैं वो नहीं पढ़े होंगे तो परेशान होने की बात नहीं है, तुम ऐसे याद रखो कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगा, ज़्यादा डिटेल में हम भी डिस्कस नहीं कर रहे हैं इसके बारे में। ठीक है, तो सीधा सा मतलब क्या है कि व्हेनेवर वी वांट टू चेंज, इफ वी वांट टू चेंज वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी देन वी हैव टू ऐड और रिमूव नंबर ऑफ पार्टिकल्स, सम पार्टिकल्स फ्रॉम दैट। ठीक है, और अगर हम ना उसको रिमूव करा के बस हम क्या करें, उसको डिफॉर्मिंग फोर्स लगा के बस उसको स्ट्रेच या कंप्रेस करेंगे तो उसका लेंथ चेंज होगा, एरिया चेंज होगा, लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। बड़ी सुंदर सी बात थी, चलो ये चीज़ हमने सीख लिया। अब हम बात करते हैं जरा वॉल्यूम के बारे में कि वॉल्यूम जब कांस्टेंट रहेगा तो क्या होगा। ठीक है,
यहीं पे इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा समझते हैं। तो मान लो एक कंडक्टर हम ऐसे ले लिए, ठीक, ये मैंने एक कंडक्टर ले लिया। स्टार्टिंग में इस कंडक्टर का जो लेंथ है मैंने उसको L1 कंसीडर कर लिया कि इस कंडक्टर का लेंथ कितना आ गया बेटा L1, और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको मैंने A1 कंसीडर कर लिया, और इसका जो रेसिस्टेंस है उसको R1 कंसीडर कर लिया। ये जिस मटेरियल का बना है उसकी रेसिस्टिविटी को रो कंसीडर कर लिया। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ रेसिस्टेंस R1 विल बी रो L1 अपॉन A1, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है कितनी, 20 ओम। तो मैंने लिख दिया इज इक्वल टू 20 ओम, ये हमारा R1 आ गया, बहुत ही अच्छी बात। ठीक, अब इस वायर को स्ट्रेच किया गया है, तो ये मैंने इसको ऐसे स्ट्रेच किया तो इसकी थिकनेस घटेगी, क्रॉस सेक्शन एरिया घटेगा, क्रॉस सेक्शन घट गया और ये आ गया इसका स्ट्रेच्ड वायर हमारा यहाँ पे। इसके लेंथ को मैंने L2 कंसिडर कर लिया, तो जो L2 हो है वो बेसिकली क्या है, 3 टाइम्स ऑफ L1 ना, तो 3L1 हमारा हो जाएगा L2। अब इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पे आ रहा है मैंने उसको मान लिया कितना, A2, और इसका जो रेसिस्टेंस आया वो क्या आ गया, R2। अब क्या स्ट्रेच करने से रेसिस्टिविटी चेंज होगी, तो नहीं होगी, क्योंकि वो तो नेचर और टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है। तो स्ट्रेच करने पर थोड़ी टेम्परेचर बढ़ गया और इतना ज़्यादा कि उसकी रेसिस्टिविटी को चेंज कर दे, या उसका मटेरियल का नेचर चेंज हो गया, मतलब एल्यूमिनियम से वो कॉपर हो गया, तो रेसिस्टिविटी भी बस चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो ये हो गया R2। अब यहाँ पे मैं R2 पूछूं कि R2 कितना होगा, बस 10 मिनट। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि ये R2 कितना होगा, तो R2 कितना हो जाएगा, रो L2 अपान A2, ये हो जाएगा हमारा R2। बोलो हाँ कि ना, तो बात समझ में आ रही होगी, ये हमारा बन जाएगा यहाँ पे रेसिस्टेंस दूसरे वाले मटेरियल का। अब हम देखो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें एक चीज़ की क्लियरिटी मिल जा रही है कि जो L1 और L2 है ना उसमें रिलेशन क्या है, L2 इज थ्राइस ऑफ L1, ये तो पता चल गया। लेकिन जब तक हमें A2 और A1 में कोई रिलेशन नहीं मिलेगा तब तक हम नहीं निकाल पाएंगे कि मतलब कि जो भी इसका रेसिस्टेंस है वो कितना आएगा स्ट्रेच थ्री टाइम्स करने के बाद, वो हम तब तक नहीं निकाल पाएंगे जब तक कि हमें ये ना पता चले कि थ्री टाइम्स स्ट्रेच करने से एरिया कितना चेंज हुआ है। क्योंकि देखो होता क्या है, यहाँ पे जो रेसिस्टेंस है वो हमारा लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और क्रॉस सेक्शनल एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब लेंथ को थ्री टाइम्स करने से रेसिस्टेंस थ्री टाइम्स तो हो जाएगा, लेकिन एरिया भी तो हमारा घटा है ना यहाँ पे, तो एरिया के घटने से भी तो रेसिस्टेंस बढ़ा होगा। अब एरिया कितना घटा है अगर ये हम पता कर लेंगे तो रेसिस्टेंस कितना बढ़ा है वो पता चल जाएगा और हमें नया रेसिस्टेंस इजीली निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये एरिया कैसे निकालेंगे, तो देखो हमने अभी एक कॉन्सेप्ट बताया कि जब भी हम स्ट्रेच या कंप्रेस, ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं जहाँ पे कंप्रेस कर रहा होगा वायर को, तो जब भी स्ट्रेच या कंप्रेस किया जाएगा तो मैंने एक यहाँ पे बात बताई आपको कि जो वॉल्यूम रहेगा वो कॉन्स्टेंट रहेगा। अब मैंने बोला कि ये जो पहला वाला वायर था ना, जो पहले था स्ट्रेच करने के पहले, उसका वॉल्यूम कितना था V1, और स्ट्रेच करने के बाद वॉल्यूम आ गया V2, तो क्या V1 और V2 आपस में बराबर होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि हम बस यहाँ पे स्ट्रेच कर रहे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को बढ़ा घटा नहीं रहे हैं, ठीक है, टेम्परेचर को भी बढ़ा घटा नहीं रहे हैं, बस उसको स्ट्रेच किया गया है, तो दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। अब वॉल्यूम क्या होता है, तो तुम पढ़े लिखे इंसान जानते हो कि जो वॉल्यूम होता है वो बेसिकली क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ या हाइट, इसी को तो हम वॉल्यूम कहते हैं। जैसे कि मान लो हम कहें कि ये एक सिलेंडर है, ठीक है, ये सिलेंडर ले लिया, अब पूछो कि इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला बताओ, तो तुम कहोगे तुरंत क्या, पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे ये जो पाई आर स्क्वायर है ये बेसिकली सर्कुलर रीजन का ही तो एरिया है, और एच क्या है, इसका लेंथ। अब इसी को हमने अगर ऐसे लिटा के रख दिया तो ये कंडक्टर हमारा बन जा रहा है। ठीक है, जैसे तुम कहते हो ये मान लो कि क्या है, कोई क्यूबॉइड हमने ले लिया, ठीक है, अब इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम पूछते हैं तो तुम कहते हो एल बी एच। अब एल बी क्या हो जाएगा, इसका एरिया, ठीक है, और एच क्या हो जाएगा, इसका हाइट। ठीक है, तो यहाँ से वॉल्यूम के लिए सीधे क्या याद रखोगे कि जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ या हाइट। तो यहीं से अगर मैं वी वन पहले वाले के वॉल्यूम की बात करूँ तो इसका एरिया देखो क्या है, ए वन है, और जो इसका लेंथ आ रहा है वो एल वन है, तो वॉल्यूम पहले वाले का कितना आ जाएगा, ए वन एल वन, और दूसरे वाले का कितना हो जाएगा, ए टू एल टू, ये हमारा बन के आ जाएगा दोनों का वॉल्यूम। अब हम इसको सॉल्व करके यहाँ से उसके एरिया में रिलेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे हमने एजम्पशन या जो क्वेश्चन में दिया था वो क्या दिया था,
कि जो लेंथ आ रहा है स्ट्रेच करने के बाद वो कितना आ रहा है, 3 times आ रहा है। लेंथ कितना आ रहा है, 3 times आ रहा है। तो जब हम 3 times लेंथ कर देंगे, ठीक है, मतलब एल टू कितना आ जाएगा, 3L1, तो ये हो जाएगा ए वन एल वन इज इक्वल टू ए टू, और एल टू की जगह पे हम लिख सकते हैं 3L1। अब यहाँ से 3L1 को अगर हम उधर ट्रांसफर कर दें तो ए वन एल वन अपान 3L1 इज इक्वल टू ए टू, और यहाँ से हम सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं, L1 L1 कैंसिल हो जाएगा, जो हमारा A2 आएगा वो कितना हो जाएगा, A1 अपान 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, A1 अपान 3। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, एरिया में जो चेंज आया वो भी हमें पता चल गया, मतलब A2 और A1 में एक रिलेशन मिल गया। अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं रेसिस्टेंस ऑफ स्ट्रेच्ड वायर। तो रेसिस्टेंस ऑफ स्ट्रेच्ड वायर यहाँ पे देखो, R2 कितना आया था, रो L2 अपान A2 आया था। यहाँ से हम उठा लें अगर R2, तो R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो एट द प्लेस ऑफ L2 व्हाट कैन वी राइट, 3L1। तो ये हो जाएगा 3L1, और एट द प्लेस ऑफ A2 वी कैन राइट A1 अपान 3, ये हो जाएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व कर दें तो ये देखो, रो L1 और नीचे A1 कर दिया, ये एक साथ लिख दिया। अब ये ऊपर 3 है और ये नीचे वाला 3 भी ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 × 3 9। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, R2 इज इक्वल टू हो जाएगा रो L1 अपान A1। ये जो पार्ट दिख रहा है ये बेसिकली किसके बराबर है, R1 के। तो वी कैन राइट हेयर 9R1, ये आ गया हमारा R2। जो R1 था वो हमारा कितना था, 20 ओम, क्वेश्चन में दिया था। जैसे हम इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे एट द प्लेस ऑफ R1, वी विल राइट 20 ओम, सो R2 विल बी 180 ओम। अब सोचो तुम्हारा आ रहा था 60 ओम, लेकिन एक्चुअल में क्या आएगा, 180 ओम। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि लेंथ बढ़ रहा था और एरिया घट रहा था। रेसिस्टेंस लेंथ के बढ़ने से बढ़ा और एरिया के घटने से भी बढ़ा, तो दोनों फैक्टर्स वहां पे इफेक्ट डाले, और इसीलिए जो यहाँ पे R2 आ गया वो कितना आ गया, 180 ओम आ जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा सेकंड टाइप का क्वेश्चन। तो जब भी आपसे ऐसे कंप्रेस या स्ट्रेच करने वाला क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से करोगे। अब इसी क्वेश्चन में क्या किया गया होता, स्ट्रेच की जगह पे मान लो कंप्रेस कर दिया होता, तो कंप्रेस जब करता तो लेंथ घटता और एरिया उसका बढ़ता, थिकनेस बढ़ जाती ना, उल्टा होता यहाँ पे, ठीक है। तो फिर वहां पे उसी तरीके से हम वॉल्यूम निकालते और करते, जब एग्जाम में आएगा तो ऐसे आप सब्जेक्टिव मेथड से करोगे। अभी देखो हम इसको शॉर्टकट फॉर्मूला एक बनाते हैं इसका जल्दी से, ठीक है। अब मान लो हम इसी चीज को जनरलाइज कर दें, ये तो था हमारा स्ट्रेच करने वाली बात, ठीक है। अब हम इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं, मतलब इसी को हम जनरलाइज करते हैं। अब हम मान लें कि n टाइम्स इंक्रीज उसको स्ट्रेच किया गया होगा किसी कंडक्टर को, तो क्या होता, ठीक है। n टाइम्स किसके, इस तरीके से स्ट्रेच किया गया कि उसका जो लेंथ निकल के आया स्ट्रेच वायर का, वो n टाइम हो गया किसका, उसका इनिशियल लेंथ का। जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था कि उसको स्ट्रेच किया गया था, तो जो लेंथ आ रहा था वो हमारा थ्राइस था, लेकिन अब थ्राइस की जगह पे कभी क्वेश्चन में 5 times कह दे, 10 times कह दे, 20 times कह दे, 100 times कह दे, 2 times कह दे, ऐसे अगर कर दे, तो इसलिए मैंने जनरलाइज कर दिया कि n टाइम्स अगर हुआ होगा तो क्या होता। तो भी वही सेम कॉन्सेप्ट उठाओ, मान लो कि जो ये कंडक्टर है, एक कंडक्टर मैंने ये ले लिया, इसका लेंथ मैंने मान लिया L1, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लिया मैंने A1, इसका रेसिस्टेंस मान लिया R1, और इसकी रेसिस्टिविटी मान ली रो। अब इसको स्ट्रेच किया गया, तो स्ट्रेच करने के बाद कुछ इस तरीके से मैंने मान लिया कि जो इसका लेंथ निकल के आया वो n टाइम्स स्ट्रेच किया है, मतलब L2 जो है वो n L1 है, ये मैंने अज्यूम कर लिया। और इसका जो एरिया है वो A2 है, इसका जो रेसिस्टेंस आ गया वो R2 आ गया, रेसिस्टिविटी नहीं चेंज हुई तो वो रो रही, ठीक है। अब यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट फिर से हम लगा देंगे, तो V1 इक्वल हो जाएगा किसके, V2 के। और V1 की बात करूँ तो V1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, A1 L1, और V2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, A2 L2। अब यहाँ पे वैल्यूज अगर हम पुट कर दें तो A1 L1 इज इक्वल टू A2, और L1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, NL1। तो यहाँ से A1 L1 अपान NL1 अगर इधर ट्रांसफर कर दे तो क्या आ जाएगा, A2, मतलब कि A2 जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, A1 अपान N। ये बात समझ में आ रही होगी। तो देखो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, जब देखा कि रेसिस्टेंस, देखो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जब लेंथ को
स्ट्रेच किया गया था एन टाइम्स, तो जो एरिया निकल के आया वो एन टाइम्स घट गया था, ये आ रहा था। जैसे पिछले क्वेश्चन में तुम लोगों ने देखा कि लेंथ को थ्री टाइम्स स्ट्रेच किया गया था, तो जो एरिया था वो थ्री टाइम्स क्या हुआ था, डिक्रीज हो गया था, और इसीलिए तो वॉल्यूम कॉन्स्टेंट था, ठीक है। और इस अगर इसको जनरलाइज कर दे, एन टाइम्स अगर स्ट्रेच किया गया तो एन टाइम्स घट जाएगा। जैसे मान लो यहीं पे अगर टेन टाइम्स स्ट्रेच किया गया था, मतलब लेंथ ऐसी स्ट्रेच करे कि उसका लेंथ टेन टाइम्स हो जाए पहले वाले से, तो जो एरिया होगा वो टेन टाइम्स घट जाएगा, मतलब ए वन अपॉन टेन हो जाएगा। अगर स्ट्रेच किया गया रहता कि ट्वेंटी टाइम्स हो जाता उसका लेंथ, ठीक है, तो जो एरिया होता वो वन अपॉन ट्वेंटी हो जाता, ए वन अपॉन ट्वेंटी। अब मान लो कंप्रेस करता, कंप्रेस ऐसे करता कि लेंथ उसका हाफ हो जाए, तो एरिया क्या हो जाता, डबल। मतलब जिस तरीके से जितना चेंज, जिस रेशियो में हम चेंज लाएंगे लेंथ में, उसी के जस्ट इनवर्स हमारा चेंज होगा एरिया में, ये ध्यान रखना है। तो ये चीज यहाँ पे निकल के आ गया, जब हमने लेंथ को एन टाइम्स किया तो एरिया हमारा क्या आ गया, ए वन अपान एन, ए वन अपान एन हो गया। अब हाँ, अब यहीं पे हम जल्दी से इसको खत्म कर लेते हैं। अब अगर यहीं पे मैं कह दूं कि R निकाल लो बेटा, तो R जब निकालते तुम, ठीक है, R2 निकालते तो वो क्या आता, रो L2 अपान A2, ये आता। अब इसमें वैल्यूज हम पुट कर देंगे तो R2 की जगह पे क्या आ जाएगा, N L1, और A2 की जगह पे क्या आ जाएगा, A1 अपान N। तो यहाँ से R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो L1 अपान A1, और इधर N ऊपर जाएगा तो हो जाता है N स्क्वायर, और रो L1 अपान A1 इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते थे, R1। तो सीधा सीधा क्या आता है, R2 is equal to जो आ जाता है वो आता हमारा n square R1। ये हमारा हो गया generalized इसका form, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन कहे कि अगर 2 times स्ट्रेच किया गया तो लेंथ कितना हो जाएगा, तो सोचो n की वैल्यू 2 हो गई, तो मतलब 2 square मतलब 4 times हो जाता। अगर 3 times किया होता तो 3 square मतलब 9 times होता, 20 times किया होता तो 20 square मतलब 400 times हो जाता। बात समझ में आ रही है। अब यहीं पे कभी कभी तुमसे क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, जब ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा, ठीक है, सेम क्वेश्चन एमसीक्यू में आए कि लेंथ इस तरीके से वायर को स्ट्रेच किया गया, 20 ओम था या 30 ओम था, उसको स्ट्रेच किया गया 2 टाइम्स 3 टाइम्स 10 टाइम्स इस तरीके से, और पूछ देगा कि नया रेसिस्टेंस बताओ कितना होगा, तो हम सीधा आर टू इज इक्वल टू एन स्क्वायर आर वन, ये फॉर्मूला लगा के निकाल लेते, ठीक है। कभी कभी कह देता है कि रेशियो पूछ लेता है तुमसे आर वन अपान आर टू, ठीक है, तो देखो यहीं से R1 अपन R2 अगर पूछता तो यहाँ पे क्या हो जाता, 1 अपान एन स्क्वायर, या अगर पूछता R2 अपान R1 तो क्या होता है, एन स्क्वायर। तो ऐसे कभी कभी आपसे रेशियो ही पूछ लेता है, ठीक। तो ये चीज़ हमें याद रखना है, ये हो गया जनरल फॉर्म। तो दो टाइप के ये क्वेश्चन बन गए। जल्दी से हम देख लेते हैं थर्ड टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड टाइप के क्वेश्चन में क्या करता है, दोनों कॉन्सेप्ट को मिक्स कर देता है। जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा एक स्क्रीन पे क्वेश्चन, ये आप लोग होमवर्क में ट्राई करोगे, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिख रहा है कि वही 20 ओम का फिर से मैंने वायर ले लिया, और अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि स्ट्रेच किया गया है थ्री टाइम्स उसके लेंथ के, और फिर उसको कट भी किया गया है 10 इक्वल पार्ट्स में, और तब पूछा है कि उसका रेसिस्टेंस बताओ हर पार्ट का, ठीक है। तो ट्राई करना होमवर्क में, ठीक है, पॉज करके मैं जल्दी से बता देता हूँ कैसे होगा। तो मान लो जो आर है वो कितना आ गया, 20 ओम। अब इसको मैं शॉर्टकट मेथड से करूंगा, तो मान लो R1 ये था 20 ओम, R2 जो आएगा वो क्या आ जाएगा, N स्क्वायर R1। कितना टाइम्स स्ट्रेच किया गया है, थ्राइस, थ्री टाइम्स, तो ये सीधा हो जाता है थ्री स्क्वायर इंटू 20 ओम, मतलब जो R2 निकल के आता वो कितना आ जाता, 180 ओम, ये इतना टाइम्स आ गया। फिर उसको 10 इक्वल पार्ट्स में कट किया गया है, तो जो रेसिस्टेंस आता, मतलब कि R2 डैश इसको अगर मैं बोलूं, तो ये क्या होता, R2 अपान 10, क्योंकि बस कट करने से एरिया चेंज नहीं होगा, बस लेंथ चेंज होगा, तो ये होता 180 अपान 10 ओम, मतलब जो R2 डैश आता वो कितना आता, 18 ओम। ये जल्दी से करने का मेथड हो गया। तो ये तो क्वेश्चन में देखते ही तुम 18 ओम पे मार्क कर दोगे, लेकिन अगर सब्जेक्टिव मेथड से करना होता तो पहले आप क्या करते, वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट बता के इसको निकालते, एन एरिया में कितना चेंज हुआ, फिर R2 निकालते, और उसके बाद फिर कट करने वाला बता के ये निकालते। तो जब ये आपका हो जाता है थर्ड टाइप का क्वेश्चन। तो ये तीन टाइप के क्वेश्चंस हो गए जिसको कि हमने यहाँ पे डिस्कस करना था, ठीक है। अब देखो, अब आपको क्या करना है, जितनी चीज़ें बताई गई इसको जल्दी से रिवाइज कर लेना है, ठीक है। हमने आज समझ लिया कि रेसिस्टेंस क्या होता है, फिर हमने समझा कि रेसिस्टेंस का कॉज क्या है, फिर हमने समझा कि रेसिस्टेंस किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, फिर हमने समझा कि जो रेसिस्टेंस है वो उस पर कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, फिर हमने समझा कि रेसिस्टिविटी क्या होता है, रेसिस्टिविटी कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी की असाइनमेंट क्या होती है,
और इन पे तीन टाइप के क्वेश्चंस के बारे में मैंने बात की। पहले टाइप के क्वेश्चन में बस उसको कट कर रहा था, मतलब उसके बस लेंथ को चेंज कर रहा था। दूसरे टाइप के क्वेश्चन में उसको स्ट्रेच या कंप्रेस कर रहा था, मतलब एरिया और क्रॉस सेक्शन एरिया और लेंथ दोनों चेंज हो रहा था। और तीसरे टाइप के क्वेश्चन में दोनों को ही जोड़ दिया था, पहले और दूसरे कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो आज बस इतनी चीज़ें हमें डिस्कस करनी थी। ओके क्लास।